जम्मू कश्मीर मामले में सुप्रीम कोर्ट के कदम का बलियाबी ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जदयू नेता गुलाम रसूल बलियाबी ने स्वागत किया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई ने मंगलवार को कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद जम्मू कश्मीर जाकर वहां के हालात का जायज़ा लेंगे। इससे पहले उन्होंने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है कि जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान की धारा 370 को कुछ हिस्सों को निप्रभावी कर दिया है। इसके लिए संसद ने संविधान में संशोधन को पास करते हुए जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा भी ख़त्म कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला समेत अनेक नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। आम लोगों का संपर्क टूटा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बातें कहीं उसका जेडीयू नेता ने स्वागत किया है। ये देश के लिए बहुत अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस की नजर जम्मू कश्मीर पर है और सरकार से जब वहाँ के हालात के बारे में सरकार संज्ञान ले रही है तो ये साफ संकेत है कि जम्मू कश्मीर की एक एक चीज मानवता, इंसानियत और वहाँ के लोगों के हक हुकूक, ये सारी चीज़ें माननीय न्यायालय के सामने है और यह हमको लगता है जम्मू कश्मीर की आम आवाम के लिए एक भरोसा, एक साहस प्रदान करने का काम करेगा।